हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरीज पैरेलल सर्किट एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सीरीज पैरेलल सर्किट क्या होता है एंड स्टार डेल्टा सर्किट क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सीरीज पैरेलल सर्किट। तो पहला जो डायग्राम है ऊपर का, वो है सीरीज सर्किट। उसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसको वन टू वन कनेक्शन कहते हैं। और जो नीचे का जो सर्किट है वो है पैरेलल सर्किट, उसमें जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है वो एक मेक के नीचे पैरेलली कनेक्टेड है, इसको वन ऑन वन कनेक्शन कहते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज पैरेलल में अगर कनेक्टेड हो, तो आप उसका यूज करके आसानी से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या वोल्टेज या करंट या पावर कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब देखते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार की अगर बात करें तो देखो, ऊपर का जो डायग्राम है वो है स्टार। इसमें आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंसेस है वो स्टार कनेक्टेड है, और जो नीचे का जो डायग्राम है वो है डेल्टा। इसमें आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंसेस है वो डेल्टा कनेक्टेड है। स्टार डेल्टा के प्रॉब्लम में क्या होता है, जनरली आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है या तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना होता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा एंड हाउ टू कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार, इसके ऊपर स्पेशल वीडियोस बनाए थे। वो वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। देखो, ये थे वो वीडियोस, ये वीडियोस आप देख लीजिएगा। ये वीडियोस में हमने इसका फार्मूला भी बताए थे। वो फार्मूला अगर आपको पता है तो आप कोई भी स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका यूज करके आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो स्टार डेटा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सीरीज पैरेलल और स्टार डेल्टा में सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखे तो एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसका मतलब यह है कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन भले ही स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सीरीज पैरेलल सर्किट उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए क्योंकि कोई भी स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम अगर आपके सामने हो तो आपको उसमें पहले कोई स्टार या पहले कोई डेल्टा सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले आपको उसमें सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है। आपको सर्किट में ये चेक करना है कि कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। आपको पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। जब तक वो प्रॉब्लम में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं होता, तब तक आपको स्टार या डेल्टा को हाथ नहीं लगाना है। ये बेसिक रूल है स्टार डेल्टा के प्रॉब्लम्स का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही पे गलती करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम अगर उनके सामने आए तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने लग जाते हैं या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आगे चल के फिर वो प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, और अगर सॉल्व भी हुआ तो कुछ ना कुछ रॉन्ग आंसर आता है। वो इसीलिए क्योंकि वो सीरीज और पैरेलल की तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ कुछ सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज पैरेलल में होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, पहले सीरीज पैरेलल को सॉल्व करना होता है। जब तक प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो रहा है तब तक उसको सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना है। जहां आपको लगा कि अब कोई भी किसी के साथ सीरीज में नहीं है या कोई किसी के साथ पैरेलल नहीं है, तो ही फिर आपको स्टार को डेल्टा में या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब यह है कि सर्किट में आपको यह पहचानते आना चाहिए कि कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। इसीलिए आपको सीरीज पैरेलल सर्किट की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको सीरीज पैरेलल नहीं आता तो समझ लो आप स्टार डेल्टा की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रॉन्ग करोगे। इसीलिए आपको पहले सीरीज पैरेलल की प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए हमने कहा था जितना ज्यादा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा सीरीज पैरेलल सर्किट भी इंपॉर्टेंट है। आपको सीरीज पैरेलल पहचानते आना ही चाहिए, उसके बिना आप स्टार डेल्टा के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है। अब ये स्पेशल क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। इसका मतलब ये सर्किट में ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस कितना टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये प्रॉब्लम हम जब भी कोई स्टूडेंट को सॉल्व करने को देते हैं तो वो स्टूडेंट यहां पे गलती करता है और रॉन्ग आंसर निकालता है। आंसर उसका रॉन्ग आता है 100%। अब गलती कहां पे होती है वो पहले आप समझ लो। स्टूडेंट क्या करता है, उसको जब भी ये प्रॉब्लम देते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठा रहता है स्टार डेल्टा। उनको लगता है कि स्टार डेल्टा हमें दिख गया तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करो या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट सीधा देखता है स्टार डेल्टा और सीधा स्टार डेल्टा को सॉल्व करने को जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं इसमें कि उनको ये प्रॉब्लम दिए तो वो क्या करते हैं, इसमें ये डेल्टा देखते हैं। देखो यहां पे एक डेल्टा
दिख रहा है, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, ये डेल्टा सॉल्व करता है, ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करता है, या कोई स्टूडेंट ये डेल्टा देखता है इसको स्टार में कन्वर्ट करता है, या कोई स्टूडेंट यहां पे डेल्टा देखता है इसको स्टार में कन्वर्ट करता है, और गलती वहीं पे होती है, गलती वहीं पे होती है। गलती क्या हो रही है, देखो सबसे पहले तो बात यह कि यह प्रॉब्लम स्टार डेल्टा का है ही नहीं, ये प्रॉब्लम स्टार डेल्टा से नहीं, ये प्रॉब्लम पूरा का पूरा सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व होता है। यहां पे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो एक्चुअली सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये प्रॉब्लम ऐसा बनाया गया है। यहां जानबूझ के एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कि ये डेल्टा है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्योरली एक सीरीज पैरेलल का प्रॉब्लम है, ये पूरा सर्किट सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाता है। अगर आप स्टार या डेल्टा ढूंढ के अगर आप सॉल्व करने को जाओगे तो इसका आंसर 100% रॉन्ग आएगा। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसमें हमने ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये सीरीज पैरेलल से अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, हम आपको इनडायरेक्टली सीरीज पैरेलल का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्किट में कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है, वो अगर पहचानते आता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्यों ना हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए सीरीज पैरेलल की पहले प्रैक्टिस करो, अगर आप सीरीज पैरेलल प्रिपेयर नहीं करोगे तो फिर आपको 100% दिक्कत होगी। तो चलो देखते हैं इसमें अगर इसको सीरीज पैरेलल से अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना, हम आपको दो मिनट में ये बता देते हैं, ओरली यहां पे बता रहे, पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे, जस्ट आपको ओवरलुक ऊपर से ऐसा बता देंगे। देखो यहां पे सीरीज पैरेलल की अगर बात करें तो देखो राइट हैंड साइड में ये दोनों सीरीज में है, देखो 1.5 1.5 ये दोनों सीरीज में है, तो 1.5 1.5 का आंसर हो जाएगा 3, हम उन दोनों को एड कर लेंगे तो इनका सीरीज हो गया 3। अब आपको क्या करना है, वो 3 ये 3 के साथ पैरेलल में सॉल्व करना है, वो 3 और ये 3 पैरेलल में आ जाएगा, उनको पैरेलली सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.5, ठीक है। फिर वो 1.5 ओम ये 1.5 ओम के साथ सीरीज में जाएगा, ठीक है, 1.5 1.5 सीरीज में आएगा तो वो हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। और फिर वो 3 ओम ये 6 ओम के साथ पैरेलल में आएगा, इधर का 3 ओम ये 6 के साथ पैरेलल में आ जाएगा, 3 और 6 को पैरेलल करने के बाद आंसर आएगा 2 ओम, ठीक है, यहां पे 2 ओम आएगा। फिर वो 2 ओम ये 1 ओम के साथ सीरीज में आएगा, 2 ओम और 1 ओम का सीरीज हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। फिर वो 3 ओम ये 3 ओम के साथ पैरेलल में आएगा, 3 3 का पैरेलल हो जाएगा 1.5 ओम, और फिर वो 1.5 ये 3.5 के साथ सीरीज में आएगा, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा दैट इज 5 ओम। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, वो हो जाएगा 5 ओम। तो इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई भी स्टार या कोई भी डेल्टा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सब हमने आपको ऊपर से इसलिए बताया है ताकि आपको ये समझ में आए कि सीरीज पैरेलल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हो या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, आपको चेक करना है कौन किसके साथ सीरीज में है पैरेलल में है, और उसको सीरीज पैरेलल से तब तक सॉल्व करना है जब तक वो सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो रहा है। जहां आपको लगा कि अब सीरीज या पैरेलल नहीं है तो ही आपको स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना है, ये बात आप ध्यान में रखो। इसका मतलब आपको सीरीज पैरेलल की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए हमने कहा था कि जितना ज्यादा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा सीरीज पैरेलल भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे, आज का ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था, हम आपको एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि सीरीज पैरेलल और स्टार डेल्टा दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों की आपको इक्वल प्रैक्टिस करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने आज के वीडियो में बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।